दमदार शनिवार, हकीकत खबरों की। दमदार शनिवार के एपिसोड नंबर 2 में आपका स्वागत है। मैं हूं बिलाल शेख और आप देख रहे हैं तहलका न्यूज इंडिया। पिछले एपिसोड में हमने आपकी मुलाकात साइबर फ्रॉड के एक विक्टिम से कराई थी, जहां पर ये बताया गया था किस तरह साइबर फ्रॉड किया जाता है और ब्लैकमेलिंग की जाती है। इस एपिसोड में हम आपको मिली जानकारी के अनुसार बताएंगे कैसे किया जाता है साइबर फ्रॉड। साइबर फ्रॉड का सारा दारोमदार होता है डेटा पर। डेटा यानी इन्फॉर्मेशन, जिसका मुख्य स्रोत आपका मोबाइल नंबर होता है। और ऐसे कई मोबाइल नंबर अलग अलग माध्यम से रोजाना कलेक्ट किए जाते हैं। आपको पता भी नहीं चलता कि आपका नंबर कहाँ इस्तेमाल किया जा रहा है। इस पूरे डेटा को इकट्ठा करके बेचा जाता है। स्कैमर्स इन डेटाओं को लेकर इसका इस्तेमाल साइबर फ्रॉड के लिए करते हैं। कभी आपको पायरेटेड फिल्म देखने के लिए लिंक भेजते हैं, तो कभी लोन के लिए लिंक भेजते हैं। आपके मोबाइल में घुसकर आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन लेने के लिए OTP और ऐप परमिशन का सहारा लिया जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि अपना OTP या पासवर्ड किसी को शेयर न करें। साइबर फ्रॉड करने वाले डार्क वेब और इल्लीगल VoIP का इस्तेमाल कर आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट तक और आपके बैंक अकाउंट तक पहुंच जाते हैं, और इसीलिए उनको ट्रेस करना बहुत मुश्किल होता है। लोग आजकल इंटरनेट का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करने लगे हैं, वर्क फ्रॉम होम के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए इत्यादि। और दूसरी तरफ साइबर क्राइम में प्रतिदिन इजाफा हो रहा है। साइबर फ्रॉड करने वाले ये इंतज़ार में रहते हैं कि कब आप कोई गलती कर दें, जैसे OTP, पासवर्ड शेयरिंग और ऐप परमिशन। अगर आपको साइबर फ्रॉड से, साइबर क्राइम से बचना है, तो अपना OTP या पासवर्ड किसी को शेयर न करें और ऐप परमिशन अननोन सोर्सेस को न दें। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। देखते रहिए दमदार शनिवार तहलका न्यूज़ इंडिया पर हर शनिवार रात 9 बजे। Access granted. Yes.